हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देखिए इस तरह का प्यारा और सुंदर सा पैटर्न बनाएंगे। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, बच्चों के स्वेटर वगैरह में आप इसे अप्लाई करके देखिए, सुंदर बन के आएगा। और इसे बनाने के लिए फंदे 18 के मल्टीपल में प्लस 7 फंदा एक्स्ट्रा लेनी है। जैसे कि देखिए, स्टार्टिंग का 2 फंदा छोड़कर यहाँ से यहाँ तक ये 18 फंदा का पैटर्न है। इसी को आपको रिपीट करते जानी है। लास्ट में ये 5 फंदा आपको ऐड कर लेनी है, यानी कि 18 के मल्टीपल में प्लस 2 फंदा, देखिए स्टार्टिंग का और लास्ट का 5 फंदा यानी कि 7 फंदा एक्स्ट्रा लेनी है। और ये 18 सिलाई का पैटर्न है, जिसे आपको बार बार रिपीट करना है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक बनाने के बाद ये पैटर्न बन के कम्प्लीट होता है, तो इसी को आगे रिपीट करती जानी है। तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ। मैं यहाँ पर 25 फंदा ली हूँ, 18 के मल्टीपल में 18 प्लस 7 फंदा। ये फर्स्ट सिलाई सीधी साइड है, तो पहली सिलाई में देखिए पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपने तरफ 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, फिर से धागा अपनी तरफ करके 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग से 2 फंदा छोड़कर यही 18 फंदा का पैटर्न है, जिसे आपको बार बार रिपीट करना है। जैसे कि 3 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, तो इसी को आपके पास जितना भी फंदा है रिपीट करते जानी है। लास्ट में यहाँ पर 5 फंदा बचेगा, तो धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ 1 फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। सेकेंड सिलाई उल्टा साइड है, तो जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे और जो फंदा सीधा है उसे सीधा बनाएंगे। हर एक उल्टी सिलाई आपको इसी तरह से बुननी है। जो फंदा सीधा है उसे सीधा बनाएंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे। देखिए, एक फंदा को बिना बुने हुए उतार लेंगे, उसके बाद धागा पीछे करके यहाँ पर एक फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, धागा अपने तरफ 3 फंदा उल्टा, देखिए उल्टा फंदा को उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे 5 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, देखिए ये उल्टा फंदा है तो ये 5 फंदा को हम उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करके फिर से यहाँ पर 5 फंदा सीधा है तो सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, लास्ट का फंदा धागा अपने तरफ करके उल्टा बना लेंगे। अब थर्ड सिलाई सीधी साइड में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ करके ये उल्टा फंदा है तो इसे उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, यहाँ पर देखिए 3 सीधा फंदा है, तो पीछे का फंदा को आगे के 2 फंदा के ऊपर से ले जाते हुए स्किप करेंगे इस तरह से, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा को सिलाई पर घुमाकर फिर से एक फंदा को सीधा बुन लेंगे। यहाँ 3 फंदा का 3 फंदा बन गया है, धागा अपने तरफ 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, धागा पीछे करके यहाँ पर देखिए ये सीधा फंदा को आगे लाएंगे और उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे, तो सीधा फंदा को आगे की तरफ से आगे लाएंगे,
उल्टा फंदा को पीछे की तरफ से पीछे ले जाएंगे। उसके बाद ये सीधा फंदा है तो इसे हम सीधा बना लेंगे। धागा अपने तरफ, ये उल्टा फंदा को उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर फोर सीधा फंदा है तो ये उल्टा फंदा को हम पीछे की तरफ से आगे लाएंगे, देखिए इस तरह से, और सीधा फंदा को आगे की तरफ से पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और इसे उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे, फोर फंदा ये सीधा है तो सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ, फोर फंदा उल्टा, 1 2 3 4, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 18 फंदा है, इसी को आगे रिपीट करते जानी है। धागा पीछे करके यहाँ पर 3 सीधा फंदा है तो देखिए ये थर्ड नंबर के फंदा को आगे के 2 फंदे को ऊपर से ले जाते हुए गिरा देंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा, धागा को सिलाई पर घुमाकर एक फंदा और सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। फोर्थ सिलाई उल्टा साइड में, जो सीधा फंदा है उसे सीधा बनाएंगे और जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बना लेंगे। पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, उसके बाद धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ पर फोर फंदा देखिए सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपने तरफ, फोर फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फोर फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। फिफ्थ सिलाई सीधी साइड में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए धागा पीछे करके इस उल्टा फंदा को हम पीछे ले जाएंगे और सीधा फंदा को आगे लाएंगे। देखिए सीधा फंदा को आगे की तरफ से आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे की तरफ से पीछे ले जाएंगे इस तरह से। उसके बाद ये देखिए सीधा फंदा है तो इसे हम सीधा बना लेंगे। धागा अपने तरफ, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे करके अब यहाँ पर ये उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे और सीधा फंदा को आगे लाएंगे। तो सीधा फंदा को आगे की तरफ से आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे की तरफ से पीछे ले जाएंगे। उसके बाद सीधा फंदा को हम सीधा बना लेंगे। धागा अपने तरफ करके, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर देखिए 3 सीधा फंदा है तो ये उल्टा फंदा को हम पीछे की तरफ से आगे लाएंगे और ये 3 सीधा फंदा को आगे की तरफ से पीछे ले जाएंगे, देखिए इस तरह से। उल्टा फंदा को हम उल्टा बना लेंगे। उसके बाद धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे करके।
यही स्टार्टिंग का दो फंदा छोड़कर यहाँ से यहाँ तक रिपीट करते जानी है। लास्ट में देखिए तीन फंदा सीधा बनाएंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। सिक्स सिलाई उल्टा साइड में उल्टा फंदा को उल्टा बना लेंगे और सीधा फंदा को सीधा बुन लेंगे। अब सेवेंथ सिलाई सीधी साइड में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा। यहाँ पर जैसे फोर्थ सिलाई में बनाए हैं उसी तरह से बनानी है। देखिए आगे का दो फंदा छोड़कर पीछे के फंदा को हम इस तरह से दो फंदा को ऊपर से ले जाते हुए स्किप कर देंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा को सिलाई पर घुमाकर फिर एक फंदा और सीधा बना लेंगे। इस तरह से धागा अपने तरफ दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब यहाँ पर सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे। सेम उसी तरह से देखिए सीधा फंदा को आगे आगे की तरफ से लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे पीछे की तरफ से ले जाएंगे। सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ, ये उल्टा फंदा है तो उल्टा बुनेंगे और एक और उल्टा फंदा बना लेंगे। यानी कि सीधा फंदा बनाने के बाद दो फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके यहाँ पर फिर से सीधा फंदा आगे लाएंगे और उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे। इस तरह से सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ करके टू फंदा उल्टा, वन टू, फिर से धागा पीछे करेंगे और ये सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे। देखिए इस तरह से सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ, ये देखिए उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पर दो सीधा फंदा बचा है, इसे हम पीछे ले जाएंगे और ये उल्टा फंदा को आगे लाएंगे। देखिए पीछे की तरफ से उल्टा फंदा को आगे लाएंगे और दो सीधा फंदा को आगे की तरफ से पीछे ले जाएंगे। उसके बाद ये उल्टा फंदा है इसे उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, दो फंदा सीधा है तो सीधा बनाएंगे, धागा अपने तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे करके फिर से यहाँ पर ये तीन सीधा फंदा है, इस तरह से दो फंदा को ऊपर से ले जाते हुए स्किप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा को सिलाई पर घुमाकर दूसरे फंदा को भी सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। एट सिलाई उल्टा साइड में उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। अब नाइन्थ सिलाई सीधी साइड में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, वन टू थ्री, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब यहाँ पर सीधा फंदा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा पीछे ले जाएंगे। देखिए इस तरह से हमेशा सीधा फंदा को आगे की तरफ से ही आगे लाना है और उल्टा फंदा को पीछे की तरफ से पीछे ले जानी है। देखिए इसे सीधा बना लेंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ करके दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा को हम आगे लाएंगे और उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे। सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ करके दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे,
धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब देखिए, इस उल्टा फंदा को आगे लाएंगे और ये सीधा फंदा को पीछे ले जाएंगे, इस तरह से, और इसे उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। टेंथ सिलाई उल्टा साइड में उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे और सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। 11th सिलाई सीधी साइड है, तब देखिए यहाँ तक हम बना लिए हैं, यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स हम बना लिए हैं। अब ये सब सभी सीधा फंदा को इस साइड में, लेफ्ट साइड में लेके जानी है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ पर तीन सीधा फंदा है, तो आगे के दो सीधा फंदा को ऊपर से ले जाते हुए इस फंदे को स्किप करेंगे। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा को सिलाई पर घुमाकर दूसरा फंदा को भी सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर इस उल्टा फंदा को आगे लाएंगे और सीधा फंदा को पीछे ले जाएंगे, सेम उसी तरह से उल्टा फंदा को पीछे की तरफ से लाएंगे और सीधा फंदा को आगे की तरफ से ले जाएंगे। देखिए इस तरह से उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करके सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे, फिर से सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे। देखिए इस तरह से सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ, दो फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे करके सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, 1 2, फिर से धागा पीछे करके सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। यहाँ पर फिर से पैटर्न बनानी है, तो आगे के दो फंदा को ऊपर से ले जाते हुए पीछे के फंदा को इस तरह से गिरा देंगे। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा को सिलाई पर घुमाकर दूसरा फंदा को भी सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। 12th सिलाई उल्टा साइड में उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। 13th सिलाई सीधी साइड में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब यहाँ पर देखिए,
ये दो सीधा फंदा को पीछे ले जाएंगे और एक उल्टा फंदा को आगे लाएंगे। देखिए पीछे की तरफ से उल्टा फंदा को आगे लाएंगे, आगे की तरफ से सीधा फंदा को पीछे ले जाएंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ रखते हुए इस फंदा को उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, दो फंदा सीधा। यहाँ पर सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे। इसे सीधा बना लेंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ, दो फंदा उल्टा। फिर से यहाँ पर सीधा फंदा को आगे लाएंगे और ये उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे। देखिए धागा पीछे करके सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे। सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फोर्टीन सिलाई उल्टा साइड में जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे और सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे। फिफ्टीन सिलाई सीधी साइड में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। यहाँ पर फिर से पैटर्न बनाएंगे, आगे का दो फंदा छोड़कर पीछे के फंदा को इस तरह से स्किप करेंगे। पहला फंदा सीधा, धागा को सिलाई पर घुमाकर दूसरे फंदा को भी सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ, तीन फंदा उल्टा, वन टू थ्री, धागा पीछे। यहाँ पर देखिए तीन सीधा फंदा है तो पीछे का एक उल्टा फंदा आगे लाएंगे और ये तीन फंदा को आगे की तरफ से पीछे कर लेंगे, उल्टा फंदा को धागा अपने तरफ करके उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा। अब यहाँ पर ये सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे। सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपने तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा को सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ, फोर फंदा उल्टा, टू थ्री फोर, धागा पीछे। फिर से तीन फंदा में पैटर्न बनाएंगे तो आगे का दो फंदा छोड़कर पीछे के फंदा को इस तरह से लाते हुए स्किप करेंगे। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा को सिलाई पर घुमाकर दूसरा फंदा को सीधा बुन लेंगे, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। 16 सिलाई उल्टा साइड में उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। 17 सिलाई सीधी साइड में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ, फोर फंदा उल्टा, वन टू थ्री फोर। अब यहाँ पर देखिए फोर सीधा फंदा है तो इसे पीछे ले जाएंगे, एक उल्टा फंदा को आगे लाएंगे।
इस तरह से उल्टा फंदा कुलटा बना लेंगे, धागा पीछे, फोर फंदा सीधा, 1 2 3 4, सीधा फंदा को आगे लाएंगे, उल्टा फंदा को पीछे ले जाएंगे। ये सीधा फंदा इसे सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। 18 सिलाई उल्टा साइड में, सीधा फंदा सीधा बनाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लें। फ्रेंड्स, ये 18 सिलाई बुनने के बाद ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। आगे इसी 18 सिलाई को आपको बार बार रिपीट करते जानी है। जैसे हम फर्स्ट सिलाई बुने उसी तरह से पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 1 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से बुन के कंप्लीट करनी 19 सिलाई में। तो देखिए इस तरह का पैटर्न बनते जाएगा, बहुत ही सुंदर बन के आता है। आप एक बार 1 से 18 सिलाई बुन के कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।